हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर सीएसआईआर नेट का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन स्टेट्स दैट द मॉलिक्यूल C3O2 हैज अ लीनियर स्ट्रक्चर। द कंपाउंड हैज ए ऑप्शन है कि 4 सिग्मेंट 4 पाई बॉन्ड्स, बी इज 3 सिग्मेंट 2 पाई बॉन्ड्स, सी इज 2 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स एंड डी इज 3 सिग्मा एंड 4 पाई बॉन्ड्स। राइट, तो हमें क्या मॉलिक्यूल दिया है? C3O2। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? इस मॉलिक्यूल का नाम है कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड, राइट। डायरेक्ट एग्जाम में ना कार्बन सब ऑक्साइड भी दे दे तो हमें पता होना चाहिए कि दिस इज C3O2, राइट। हमें इसमें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स बताने हैं, और गिवन क्या है कि इसकी स्ट्रक्चर लीनियर है, कार्बन डाइऑक्साइड की ही तरह ये मॉलिक्यूल है और इसकी भी लीनियर स्ट्रक्चर है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें CO2, तो CO2 के स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन अगर हम बात करते हैं C3O2 के, तो उसके स्ट्रक्चर भी कैसी है? लीनियर है। हमने 3 कार्बन अरेंज करने हैं, 2 ऑक्सीजन अरेंज करने हैं। हमें पता है कार्बन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, टेट्रावेलेंट होते हैं, और ऑक्सीजन जो होते हैं वो बाइवेलेंट होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर आएगी, लीनियर स्ट्रक्चर, राइट। तो सिमिलर टू कार्बन डाइऑक्साइड है, नाम कार्बन सब ऑक्साइड है, कार्बन जो है वो सारे टेट्रावेलेंट है, हर एक एटम की वैलेंसी जो है वो कंप्लीट है। हर कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हर ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड्स बना रहा है क्योंकि बाइवेलेंट होते हैं, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तभी इस पे दो दो लोन पेयर्स प्रेजेंट है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन का कहता है कि इसके पास कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा और पाई, क्योंकि जब भी डबल बॉन्ड होगा तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड पाई होगा। तो यहाँ पे टोटल कितने सिग्माज है? 4 सिग्माज हैं, टोटल 4 पाईज हैं। तो इस मॉलिक्यूल में 4 सिग्मा एंड 4 पाई मींस ए इज द करेक्ट ऑप्शन, और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। द मेन थिंग इज हमें पता होना चाहिए कि इसके स्ट्रक्चर जो है वो उसे हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी सिग्मा और पाई बॉन्ड्स निकालने इज नॉट अ बिग डील। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, दैट्स इट। थैंक यू।